एक साथ चार गाड़ियों के एक्सीडेंट, एक वो नीचे पड़ी, दूसरी ये, तीसरी ये हो गई और ये चौथी हो गई है, पांचवी वो वहाँ खड़ी। जाम लगा है, आप लोग देख सकते हैं पांच गाड़ियों का एक्सीडेंट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बड़ौदा से निकला था यूपी गजरौला के लिए गाड़ी जोड़ करके, और अभी मैं जयपुर पार करके सोया था। तो अभी यहाँ से 300 किलोमीटर है, चलते हैं आपको आगे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं जयपुर दिल्ली हाईवे जो है रिपेयर किया जा रहा है दोबारा से, बहुत ज्यादा खड्डे हो गए थे, काफी टूटा हुआ रोड था, रातों रात काफी कई किलोमीटर बन गया है, अभी काम चालू है। तो आप लोग देख सकते हैं ये दिल्ली आउटर रिंग रोड है नूह मेवात साइड, और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है बहुत ही खतरनाक। ये देखो गाड़ी गिरा है, ऊपर वाले के दुआ से ड्राइवर बच गया हो। ओ भगवान बचाए यार। ऐसा एक्सीडेंट पहली बार देखा। ये स्पीड में गाड़ी आई है इधर से, और ये अगला टायर है धड़ी का, और जाके सीधा मुसरा घुस गया इसी में। और एक उधर है गाड़ी, ये पलटी मारा टेलर है, हरियाणा मेवात में हुआ एक्सीडेंट, बहुत ही खतरनाक। एक साथ चार गाड़ियों के एक्सीडेंट, एक वो नीचे पड़ी, दूसरी ये, तीसरी ये हो गई और ये चौथी हो गई है, पांचवी वो वहां खड़ी। जाम लगा है, आप लोग देख सकते हैं पांच गाड़ियों का एक्सीडेंट एक साथ में हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं पांच गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है और चार ड्राइवर खत्म हुए हैं एक्सीडेंट में, और दो गाड़ी नीचे पड़ा है, पांच गाड़ी एक साथ में एक्सीडेंट। ये सामने से आई है, ड्राइवर खत्म हो गए, चार ड्राइवर। तो चलते हैं, अपनी गाड़ी वहां सामने खड़ी है। तो ये एक्सीडेंट हुआ है नूह मेवात और दिल्ली आउटर रिंग रोड पे, एक गाड़ी खड़ा दिख रहा है और दो गाड़ी रोड पे और दो गाड़ी नीचे, टोटल पांच गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि चार ड्राइवर जगह पे डेथ हो गए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, निकलते हैं यहाँ से, वो ड्राइवर तो एम्बुलेंस लेके गए। फ्रेंड्स, ट्रैफिक लग गया है और पांच गाड़ियों के एक साथ में एक्सीडेंट हुआ है, पूरा जाम लगा हुआ है। मैं अभी निकल चुका हूं और जाम पूरा लगा है 40 से 50 किलोमीटर। एक साथ में पहली बार देखा है पांच गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है जिसमें पांचों गाड़ी जो है खत्म हो गया है बिल्कुल, केवल एक पुलिस का जो है कैंपर गाड़ी बचा है सेफ्टी वाला, और चार ड्राइवर एक्सपायर हो गए, पुलिस वाइन सेफ्टी गाड़ी जो है उसका ड्राइवर छोड़ के, और वो जो चारों गाड़ी का ड्राइवर चारों खत्म। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये दिल्ली से मुंबई के लिए जो एक्सप्रेस बन रहा है वो यहाँ से कोटा तक कंप्लीट हो गया है, कोटा से 30 किलोमीटर पहले तक। तो यहाँ से गाड़ियाँ मतलब चढ़ती हैं, और ये पलवल साइड है, अभी आप लोग देख सकते हैं काम चल रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बनने के बाद बहुत सारा ट्रैफिक कम हो जाएगा, नेशनल हाईवे 8 पे जो इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आपको आगे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं अभी दिल्ली आउटर रिंग रोड से उतर रहा हूँ मुरादाबाद हाईवे की तरफ, और ये गोल सर्कल की तरह है हाईवे, क्योंकि मुरादाबाद हापुड़ लखनऊ हाईवे पे उतारेगा और अपने को जाना है गजरौला। तो चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। ये मुरादाबाद से दिल्ली हाईवे पे मिलेगा जाके,
फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अभी दिल्ली से मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पे चल रहा हूँ और काफी अच्छा रोड बन गया है अभी। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मैं अभी चला हूँ हापुड़ सिटी के फ्लाईओवर में, मुरादाबाद लखनऊ दिल्ली हाईवे है और ऐसा ही फ्लाईओवर कानपुर में भी है जो कि मतलब सिटी के बिल्कुल ऊपर से ही गुजरता है, तो ये भी 7-8 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है और ये पूरा सिटी आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मैं अभी गंगा फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहा हूँ, गढ़मुक्तेश्वर घाट है। बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे और ये अपना गंगा नदी है, नीचे देखो आने का पूरा घाट वाट बना है। तो फ्रेंड्स फाइनली गाड़ी अपना पहुंच गया है गजरौला टीवा कंपनी और ये गेट के सामने पार्किंग में खड़ा है अपना गाड़ी। तो चलते हैं फ्रेंड्स आपको आगे दिखाएंगे। फ्रेंड्स फाइनली गाड़ी अपना लोड हो गया है टीवा कंपनी में, अभी यहीं पार्किंग में खड़ा है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।